11, स्टेटिक्स के अंदर चैप्टर नंबर फोर अपन के अंदर आज के लेक्चर के अंदर तो अपने सीखेंगे औसत विचलन जिसे अपने माध्य विचलन कहते हैं राइट तो औसत विचलन के सबसे पहले सूत्रों को सीखते हैं तो औसत विचलन के अंदर यदि आपके पास कोई सूचना हो तो उस समय औसत विचलन ज्ञात करने का सूत्र है एम डी बराबर सिग्मा मानांक के अंदर एक्स माइनस एक्स बार अपॉन एन यदि आपके पास वर्गीकृत सूचना हो और वर्गीकृत सूचना के अंदर असतत आवृत्ति वितरण यानी चलो और दी ओ, तो X -X और या हो तो उस समय एमडी का सूत्र है सिग्मा एफ के अंदर एक्स माइनस एक्स बार अपॉन एन और यदि आपके पास सतत आवृत्ति वितरण हो तो उस समय एमडी का सूत्र ऊपर के अनुसार सेम टू सेम होगा एमडी बराबर सिग्मा एफ मानांक के अंदर एक्स माइनस एक्स बार अपॉन एन क्लियर तो सूत्रों के ऊपर से आपको पता चल गया होगा कि माध्य विचलन के अंदर सबसे पहले यू हैव टू तो फाइंड एक्स बार आपको एक्स बार ज्ञात करना पड़ेगा औसत विचलनाक का सूत्र होता है एम डी अपॉन एक्स बार एम डी को एक्स बार से भाग करेंगे तो आपको क्या मिलेगा औसत विचलनाक यानी औसत विचलनाक का आपको सापेक्ष माप मिल जाएगा तो इसी से रिलेटेड अपने स्वाध्याय चार के अंदर दिए हुए सवालों को करते हैं तो देखिए यहां पर क्या आपको दिया हुआ है तो यहाँ आपके पास अवलोकन है एक्स से और आपको ज्ञात क्या करना है औसत विचलनांक ज्ञात करना है तो औसत विचलनांक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा एक्स बार ज्ञात करना पड़ेगा तो एक्स बार का सूत्र क्या होता है जब आपके पास अवलोकन हो तो एक्स बार का सूत्र होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन तो एक्स का टोटल कीजिए बताइए कितना आया एक्स का टोटल स्पीड से कीजिए बताइए कितना आया यस वन सिक्स सेवन फोर सोलह सौ चौहत्तर अब एक्स बार याद कीजिए तो वन सिक्स सेवन फोर अपॉन एन एन कितना है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन तो डिवाइडेड बाय टेन किया तो एक्स बार की वैल्यू मिली आपको वन सिक्सटी सेवन पॉइंट फोर यह आपको क्या मिल गया एक्स बार मिल गया क्लियर एक्स बार मिलने के बाद यहाँ एक कॉलम तैयार करना है एक्स माइनस एक्स बार मानांक के अंदर कर देते हैं जहां आपका माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा क्लियर मानांक के अंदर सभी संख्या होती है प्लस के अंदर होती है तो चलिए एक्स में से बार घटाएं तो वन माइनस कितना करेंगे तो ये आ गया कितना सेवन पॉइंट फोर ओके प्लस में लिखेंगे अपने फिर वन सेवनटी फाइव माइनस वन सिक्सटी सेवन पॉइंट फोर कीजिए तो कितना आया सेवन पॉइंट सिक्स वन फिफ्टी एट माइनस वन सिक्सटी सेवन पॉइंट फोर कीजिए तो कितना आया नौ यानी नाइन पॉइंट फोर वन सिक्सटी फाइव माइनस वन सिक्सटी सेवन पॉइंट फोर कीजिए फोर वन सेवनटी माइनस वन सिक्सटी सेवन पॉइंट फोर तो ये आ गया टू पॉइंट कितना सिक्स तो इस प्रकार सबके अंदर से अपने क्या करेंगे घटाएंगे माइनस किया तो ये आया वन पॉइंट फोर वन थ्री माइनस वन सिक्सटी सेवन पॉइंट फोर किया तो सात पाँच बारह और ए पांच पॉइंट छः वन सेवेंटी सिक्स माइनस वन पॉइंट फोर किया तो ये आ गया आठ सात पंद्रह और सोलह थ्री किया तो यह तो जीरो पॉइंट सिक्स क्लियर तो इस प्रकार एक्स माइनस एक्स बार मानाक के अंदर घटा देना है अब आपको क्या करना है एमडी का सूत्र लगाना है तो एमडी का सूत्र क्या होता है जब अवलोकन दिए हो तब एम बराबर सिग्मा मानांक के अंदर एक्स माइनस एक्स बार अपॉन एन एक्स माइनस एक्स बार यानी इसका टोटल करना पड़ेगा सिग्मा है तो चलिए इसका टोटल कीजिए कितना आया बताइए यस फिफ्टी ओके तो यहां रख देते हैं अपने फिफ्टी एन कितना अपने पास टेन तो एम की वैल्यू आपको मिल गई कितनी फाइव कितना मिल गया 5 क्लियर तो इस प्रकार औसत विचलन आप ज्ञात कर सकते हो देखिए अब देखते हैं अपने एक सवाल के अंदर जहां पर आपको चल और आवृत्ति दी हो तो औसत विचलन किस प्रकार ज्ञात करेंगे तो यहाँ x दिया है f दिया है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा x बार ज्ञात करना पड़ेगा तो x बार ज्ञात करने का सूत्र होगा सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन तो यहाँ आपने एक कॉलम तैयार कर लेते हैं कौन सा एफ एक्स का एफ और एक्स का क्या करते हैं गुणा करते हैं तो चलिए यहाँ गुणा कीजिए दो दो चार आठ चौबीस चालीस तीस चौबीस चौदह और ये आ गया सोलह क्लियर एन का टोटल कर दीजिए एन कितना हुआ चार आठ पंद तेरह तीन सोलह सत्रह अट्ठारह उन्नीस और बीस अब एफ एक्स का टोटल करो एफ एक्स का टोटल बताइए कितना आया ये आया कितना वन सिक्सटी क्लियर तो सबसे पहले एक्स बार ज्ञात कर देते हैं तो वन सिक्सटी एन कितना ट्वेंटी तो एक्स बार की वैल्यू मिली कितनी आपको एट एक्स बार बराबर कितना आया अब यहां एक कॉलम तैयार कीजिए मानांक के अंदर x माइनस एक्स बार अब ये जो x है इसमें से x बार आपको क्या करना है घटाना है तो चलिए दो में से आठ घटाया तो कितना बचा छ चार में से आठ गया तो चार छ में से आठ गया तो ये कितना आ गया दो आठ में से आठ गया तो जीरो दस में से आठ गए तो दो ये आगे आठ चार बारह आठ छः चौदह आठ आठ सोलह क्लियर अब यहाँ पे कॉलम तैयार करना है एफ माना के अंदर एक्स माइनस एक्स बार यानी एक्स माइनस एक्स बार के कॉलम को एफ से क्या करना है गुणा करना है तो चलिए गुणा करते हैं ये कितना हो गया छः धूनी बारह चार दूनी आठ चार दूनी आठ जीरो छ आठ छ और ये कितना आ गया आठ अब इसका अपने को क्या करना है टोटल करना है तो चलिए टोटल कीजिए कितना आया बेटा तो और ये आ गया पचास और छप्पन फिफ्टी सिक्स क्लियर अब आप एमडी ज्ञात याद कर लीजिए एमडी का सूत्र क्या होता है असतत आवृत्ति वितरण के अंदर सिग्मा एफ माना के अंदर एक्स माइनस एक्स बार अपॉन एन ये कितना है फिफ्टी सिक्स एंड कितना है ट्वेंटी सो द वैल्यू ऑफ एम डी इज टू पॉइंट एट हाफ कर दिया ओके okay. अब इसी के अंदर आपको औसत विचलनांक भी ज्ञात करना है तो चलिए औसत विचलनांक का सूत्र लगा देते हैं अपने तो औसत विचलनांक बराबर सूत्र क्या है औसत विचलनांक का एमडी अपॉन एक्स बार एम डी एक्स बार तो एम डी कितना है टू पॉइंट एट एक्स बार कितना है एट चलिए टू पॉइंट एट डिवाइडेड बाई एट कीजिए कितना आया जीरो पॉइंट थर्टी फाइव तो इस प्रकार आप औसत विचलन या माध्य विचलन या माध्य विचलन ज्ञात कर सकते हो इसी से रिलेटेड अपने एक साल और देखते हैं जहाँ पर आपको सतत आवृत्ति वितरण यानी वर्ग और आवृत्ति दिया हो तो औसत विचलन किस प्रकार ज्ञात करेंगे तो यहाँ आपके देखिए वर्ग है और एफ है तो सबसे पहले आपको मध्य कीमत यानी एक्स याद करना पड़ेगा दस तीन चालीस का आधा हो गया ये बीस फिर देखिए बीस बीस का अंतर है तो बीस बीस जोड़ते जाएंगे चालीस साठ अस्सी और ये कितना आ गया सौ ये आपको एक्स मिल गया अब इसके ऊपर से एक कॉलम तैयार करते हैं अपने माध्यम याद करने के लिए कौन सा एफ एक्स का गुणा कर दीजिए बीस वन सिक्सटी 360, 320 और 100. इनको गुना किया अब आप क्या करेंगे इसके बाद आपको करना है एक्स बार ज्ञात करना है क्या ज्ञात करना है एक्स बार एक्स बार का सूत्र क्या होगा तो यहाँ सिंपल सूत्र से कर रहे हैं अपने सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन तो एफ एक्स का टोटल कीजिए चलिए कितना हो गया ट्वेंटी प्लस वन सिक्सटी प्लस थ्री सिक्सटी प्लस थ्री ट्वेंटी प्लस हंड्रेड यस नाइन सिक्सटी और एन छः चार चौदह पंद्रह और एक कितना हो गया सोलह तो ये आ गया नाइन सिक्सटी डिवाइडेड बाय सिक्सटीन तो एक्स बार की वैल्यू मिली आपको कितनी सिक्सटी क्लियर ध्यान रखें माध्य विचलन के अंदर एक्स बार सही होना चाहिए एक्स बार सही तो आगे सही होगा नहीं तो गलत आएगा अब यहाँ एक कॉलम तैयार कर लेते हैं महानक में एक्स माइनस एक्स बार अब जो ये एक्स है इसमें से, इस से एक्स बार सिक्सटी क्या करेंगे माइनस करेंगे तो ट्वेंटी माइनस सिक्सटी किया ये कितना आ गया फोर्टी फोर्टी माइनस सिक्सटी किया तो ये आया ट्वेंटी सिक्सटी माइनस सिक्सटी जीरो एटी माइनस सिक्सटी ट्वेंटी हंड्रेड माइनस सिक्सटी तो ये आ गया फोर्टी तो क्लियर अब एक कॉलम तैयार करेंगे कौन सा एफ एक्स माइनस एक्स बार मानांक के अंदर इसका गुणाकार एफ के साथ करेंगे तो ये हो गया फोर्टी ट्वेंटी इंटू फोर्टी किया फोर किया तो ये आया एटी ये आया जीरो फोर्टी इन टू ट्वेंटी एटी और ये हो गया कितना फोर्टी अब इसको प्लस कर दीजिए तो वन ट्वेंटी वन ट्वेंटी कितना हो गया ये टू फोर्टी ओके अब अपने एम डी का क्या करते हैं सूत्र लगा देते हैं चलिए एमडी का सूत्र क्या होता है सिग्मा एफ मानांक के अंदर एक्स माइनस एक्स बार अपॉन एन तो ये कितना है टू फोर्टी कितना है आपके पास सिक्सटीन तो टू फोर्टी डिवाइडेड बाय सिक्सटीन कीजिए तो कितना आया फिफ्टीन ये आपकी कीमत किसकी आ गई एम की अब औसत विचलनांक याद कर दीजिए तो औसत विचलनांक बराबर सूत्र आएगा औसत विचलनांक बराबर सूत्र क्या है एम डी अपॉन एक्स बार तो एम की वैल्यू कितनी मिली थी आपको फिफ्टीन एक्स बार कितना था सिक्सटी तो चलिए फिफ्टी डिवाइडेड बाय सिक्सटी कीजिए कितना आया जीरो पॉइंट ट्वेंटी फाइव क्लियर तो इस प्रकार आप औसत विचलनाक ज्ञात कर सकते हैं क्लियर होप शो कि आपको ये औसत विचलनाक के रिलेटेड सूत्र और सवाल सभी समझ में आ चुके होंगे थैंक यू वेरी मच जय हिंद जय भारत स्वस्थ रहिए मस्त रहिए